बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशहाली लाने वाली 7 चीज़ें, 7 ऐसी चीज़ें जिनको अख्तियार करने से घर में खुशहाली आती है। नंबर 1, कुरान पाक की तिलावत करने से घर में खुशहाली आती है। नंबर 2, नमाज की पाबंदी यानी 5 वक्त की नमाज कायम करने से घर में खुशहाली आती है। नंबर 3, अल्लाह का शुक्र अदा करने से यानी अल्लाह पाक ने जिन नेमतों से नवाजा है उनका शुक्र अदा करना, और जिन चीज़ों से नहीं नवाजा उनके लिए दुआ करना, ना शुक्री नहीं करनी, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहने से घर में खुशहाली आती है। मजबूर की मदद करना, जो आपके पास वसाइल हैं, सोर्सेज हैं, जो आपकी वसत है, इस्तेआत है, उसके मुताबिक मजबूरों की मदद करना से अल्लाह पाक घर में खुशहाली लाते हैं। गुनाहों से तौबा करना, इंसान गुनाहगार है, गुनाह का पुतला है, इंसान से गलतियां कुताहियां हो जाती हैं, अपने गुनाहों से तौबा और इस्तग़फ़ार करने से घर में खुशहाली आती है। नंबर 6, अज़ीज़ व अकरबा से अच्छा सलूक करना। नंबर 7, सुबह के वक्त सूरह यासीन और शाम के वक्त सूरह वाकिया की तिलावत करना, अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे घरों को खुशियों से मालामाल कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन।